की गई है ताकि हम इस एरिया से आगे ना बढ़ पाए। जो सिक्योरिटी मैंने 12 बजे देखी थी उसकी जस्ट डबल सिक्योरिटी उस वक्त उस स्पॉट पे पहुंचती है। मतलब इतनी पुलिस, पंजाब पुलिस, बड़े बड़े अफसर मुझे नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। पांच गिरफ्तारियां हुई हैं, तीन जिहड़े अक्यूज हैगे दे वर इनवॉल्वड इन सोर्सिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव। जे मौजूदा सरकार उस नूं सिक्योर नहीं कर पा रही, ए तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर की हो सकता है। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या भगवंत मान सरकार ने पंजाब की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के अमृतसर में 5 दिन में 3 धमाके हुए, वो भी गोल्डन टेम्पल के पास। लेकिन पंजाब की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़कर आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस इन 5 दिनों में कहां कहां बिजी थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मैं आगे बताऊंगा भी। लेकिन कल आधी रात में अमृतसर में श्री हरमंदर साहिब के पास एक और तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। पहला धमाका इसी इलाके में 6 मई को हुआ था जिसमें 5 लोग जख्मी हुए थे। फिर 8 मई को इस इलाके में दूसरा धमाका हुआ और तीसरा धमाका कल आधी रात करीब 12:15 बजे हुआ। इन धमाकों के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? पंजाब जैसे सीमा वाले स्टेट में ये किसकी साजिश थी? फिलहाल भगवंत मान सरकार की पुलिस कह रही है कि उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बहुत ही लो ग्रेड विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या ये पंजाब पुलिस की तरफ से एक बड़ी लापरवाही का सूचक नहीं है? देखिए, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। सो यह 3 जड़े अक्यूज्ड हैगे दे वर इनवॉल्वड इन सोर्सिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव। तो एक्चुअल इंसीडेंट के परपेट्रेटर सी अमरीक सिंह और आजादवीर सिंह। एक लेडी भी असी क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने रोल असी देख रहे हैं, वाइफ ऑफ अमरीक सिंह। आजादवीर सिंह तो अमरीक सिंह इन्होंने जी IEDs असेंबल कीतियां सी। जिहड़ा एक्सप्लोसिव सीगा जिहड़ा लो ग्रेड, जिवें साडी फोरेंसिक एनालिसिस दे विच भी आया सीगा कि लो ग्रेड एक्सप्लोसिव सी, क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स मिक्स विद मिक्सचर ऑफ सल्फर, जरा पोटाश जिसनों कोलोकोली किया जाता है, ते अनगढ़ तो सोर्स किया गया सीगा। ये क्लोराइड या ब्रोमाइड था जिसे पोटाश के साथ मिक्स करके ये विस्फोटक बनाया गया था। लेकिन अगर इसकी जगह TNT होता तो क्या होता? अगर इसकी जगह ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता, इसकी जगह जेलेटिन की कोई छड़ होती तो क्या होता? क्योंकि विस्फोटक तो ये शुक्र है कि लो ग्रेड इंटेंसिटी का था, लेकिन अगर ये हाई इंटेंसिटी वाला कोई एक्सप्लोजिव होता तो फूट तो गया होता ना। सवाल ये भी है कि ये नौबत आई क्यों? जब इलाके में पहला धमाका हुआ तो उसके बाद पंजाब पुलिस क्यों अलर्ट पर नहीं थी? क्यों पंजाब की पुलिस ने लगातार 2 धमाकों को हल्के में लिया कि तीसरा धमाका भी हो गया? मैं आपको बताता हूं, इसलिए क्योंकि मान सरकार की पुलिस का टास्क पंजाब की सुरक्षा नहीं है। मान सरकार की पुलिस का टास्क था नवभारत के रिपोर्टर, कैमरामैन और ड्राइवर को झूठे केस में फंसाना, झूठे आरोप लगाकर जेल में डालना, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने यही किया। हमारी रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर को कैसे घेरा गया, कैसे गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने पंजाब पुलिस को कैसे फटकार लगाई, आप लगातार यहां देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। लेकिन सत्य की जीत हुई, साजिश हारी। लॉ एंड ऑर्डर किसके भरोसे है पंजाब का? आज मैं इन तमाम मुद्दों पर बहस करूं और हम तह तक जाएं, उससे पहले कुछ आंकड़ों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से पंजाब में क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, यह देखना भी जरूरी है। 17 अप्रैल 2023 पंजाब में ड्रग का ऐसा जाल फैला कि ड्रग केस में AIG राजजीत सिंह को नौकरी से बर्खास्त करना पड़ा। 23 फरवरी 2023 को क्या हुआ? अमृतपाल समर्थकों ने पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की और पाकिस्तान सीमा के पास अजनाला कस्बे में पुलिस थाने का घेराव किया। 7 जनवरी 2023
मंत्री फौजा सिंह सरारी को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मान सरकार के पास इस मंत्री का वसूली का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। 29 मार्च 2022 मनसा में सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। 14 सितंबर 2022 भगवंत मान ने पंजाब में बीएमडब्ल्यू का प्लांट लगाने का दावा किया, लेकिन बीएमडब्ल्यू कंपनी ने प्रेस रिलीज करके इस बात से इनकार कर दिया। एक साल के भीतर खराब प्रदर्शन के कारण 5 मंत्रियों को बदलना पड़ा। ये तो महज वो कुछ बातें हैं जो ये बताती हैं कि भगवंत मान सरकार में क्या कितना सहज है, भगवंत मान सरकार किस मामले में कितनी कैपेबल दिखाई दी है। और ये चंद आंकड़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब से पंजाब में मान सरकार बनी है तब से पंजाब में अराजकता और अशांति का माहौल है। कल आधी रात हुए धमाके पर शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि सबसे पवित्र धार्मिक स्थल की सुरक्षा करने में भी मान सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। पंजाब दी जिहड़ा मैं कह सकदा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नाल, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू नाल देश दुनिया तो मोस्ट विजिटेड एरिया है और लखां करोड़ां लोग रोज और साल दे अंदर अंदर उत्थे नतमस्तक हो के जांदे है। जे मौजूदा सरकार उसनू सिक्योर नहीं कर पा रही, ए तो वड्डा लॉ एंड ऑर्डर दा फेलियर की हो सकदा। और ऐसे में आज के ये ज्वलंत सवाल हैं, स्वर्ण मंदिर के पास 5 दिन में 3 धमाके क्यों? क्या सरकार सो रही थी? कानून व्यवस्था पस्त, मान सरकार नवभारत के खिलाफ साजिश में व्यस्त, सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, रिपोर्टर को जेल भिजवाएंगे, क्या भगवंत मान से संभल नहीं पा रहा पंजाब? ये बहुत बड़े सवाल हैं, खासतौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है और पाकिस्तान में इन दिनों जो टर्मोइल है वो आपके सामने है। ऐसे में पंजाब की सुरक्षा, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और देश की सुरक्षा के हिसाब से ये सवाल बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सरदार आरपी सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रीतपाल सिंह धालीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जरा समझ लेना चाहता हूं एक तटस्थ रवैया नजरिया रखने वाले जीडी बख्शी साहब से ये कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के ये चिंक्स कितने भीषण साबित हो सकते हैं, बड़े साबित हो सकते हैं, ये समझते हुए कि पंजाब में इन दिनों पाकिस्तान में आग लगी हुई है। जीडी बख्शी साहब, देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान का मामला है इसका बड़ा भारी असर पड़ेगा हम पर भी, ये तो निसंदेह है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है ये अलग से फिक्र की बात है। पाकिस्तान की आईएसआई, उनका मुल्क डूब रहा था लेकिन तब भी वो जो हैं वो लगातार इसमें लगे हैं अपने K2 प्लान में, किसी तरह टेररिज्म को जिंदा जलाना, ना केवल कश्मीर में लेकिन पंजाब में। और इसके चलते वो जो है हर कोशिश कर रहे हैं दोबारा ये आग जलाने की। उन्होंने काफी पहले तो पंजाब के अंदर पहले फेज में ड्रग्स का सैलाब शुरू कर दिया ताकि लोग ड्रगी बने, वो कंट्रोल ज़ॉम्बीज बन जाएं जिनको वो मैनिपुलेट कर सकता है। उसके बाद उसने ड्रोन से हथियार एमिनेशन गिराने शुरू किए और तीसरे फेज में उसने अमृतपाल को पैराशूट किया था दुबई से कि वो भिंडरा वाले 2.0 बने और पंजाब में अराजकता शुरू करे। उसमें भी हमने देखा कि कोई 1-1.5 महीना लगा, पूरी पंजाब की पुलिस फोर्स लगी रही और वो कभी यहां कभी वहां फुदकता रहा। फॉर्चुनेटली उसमें उसकी बड़ी जग हसाई हुई और ये जो 2.0 इमेज भिंडरा वाला वो कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था वो तबाह हो गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा ये ब्लास्ट हुए जी। जब ब्लास्ट हुए तो हमने देखा पहला रिस्पांस ये था कि साहब ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट है, मतलब इसको दबाने की कोशिश, इसको प्ले डाउन करने की कोशिश, ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। फेस अप टू इट, देयर इज अ प्रॉब्लम, फेस अप टू इट एंड सॉल्व इट। जीडी बख्शी साहब का पहला जो कमेंट और रिमार्क है वो हम लेकर आगे बढ़ते हैं। जीडी बख्शी साहब का कहना यह है कि पंजाब में
इसलिए भी क्योंकि K2 जो साजिश है पाकिस्तान की, कश्मीर और खालिस्तान, इसको K2 नाम देते हैं वो लोग, इसके तहत पंजाब की सेंसिटिविटी को हमको खास ख्याल रखना चाहिए। और वहां जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या हम पहले तो ये कि क्या हम अतिरिक्त सतर्क और सजग हैं, दूसरे अगर वहां कुछ हो रहा है तो हम क्या उसको स्वीकार रहे हैं, वैसे स्वीकार रहे हैं जिस तरह का थ्रेट है वो, या उसको प्ले डाउन करके असल में हम शुतुरमुर्गी रवैया रख रहे हैं, ये जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। परविंदर सेठी, आपके पास आने से पहले जरा मैं बाकी के नजरिए ले लेना चाहता हूं ताकि आप इकट्ठे इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। आरपी सिंह साहब से बात करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले लोकेश जिंदल, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां रहते हुए इस बारे में एक विस्तृत गोपनीय एक पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और केंद्र को यह दिया था और यह बताया था कि यहां सेंसिटिविटीज कितनी हाई हैं, लेकिन क्या वैसे की वैसी ये चिंता, ये कंसर्न क्या अगली सरकार ले पाई है? देखिए गौतम जी, जो पंजाब में आतंकवाद जो है ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसे राज्य सरकार अपने बलबूते पर डील कर पाए। इसके लिए कॉन्सर्टेड एफर्ट की आवश्यकता है सेंटर और स्टेट दोनों द्वारा, और इस पे सेंटर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकता कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर स्टेट जो है वो प्रोएक्टिव होने से बच नहीं सकता। देखिए ये दोनों में जो आम आदमी है उसकी जिंदगी का सवाल है, सेंटर और स्टेट को दोनों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही है। पूरे देश ने देखा है 2022 से लेके पंजाब की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन ना तो वहां की राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए, और सेंटर ने जिसकी जिम्मेदारी है ठोस कदम उठाने की, उसने भी जैसे पलड़ा झाड़ दिया है। देखिए पंजाब के नागरिकों की जीवन का सवाल है। लोकेश जिंदल साहब, आता हूं आपके पास, आपने जो कहा है वो काफी है नटशेल में समझाने के लिए कि आपकी सोच क्या है। और ये पल्ला झाड़ लिया होता है सर, माफ कीजिएगा आपको ठीक कर रहा हूं, ये पलड़ा जो होता है तराजू का होता है, और पल्ला झाड़ लेना मतलब किसी चीज से अपने आप को अलग कर लेना। लेकिन मैं अब इसको लेकर आगे जाना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसमें कहां जाकर जिम्मेदारी फिक्स होती है, तय ही नहीं हो पाएगा क्या? असल में यहां पर ये बॉर्डरिंग स्टेट होने की वजह से जाहिर है केंद्र की भूमिका भी है इसमें, लेकिन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अमृतसर में अगर कहीं हरमिंदर साहब के पास कुछ हो रहा है उसको लेकर कौन जवाबदेह होगा, ये भी तो समझने वाली बात है। आरपी सिंह साहब, आपका नजरिया। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि ये तीसरी घटना हुई पिछले 5 दिन के अंदर। पंजाब सरकार का फोकस तो था भावना किशोर को पकड़ने में, उसको तंग करने में, उसको अरेस्ट करने में, उसके मुकदमे झूठे मुकदमे उस पर दर्ज करने के, या जिसने उसकी बेल दी उसके ऊपर अब झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके मुकदमे निकाले जा रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप के, फोकस तो वहां पे है। जिस दिन पहले दिन घटना हुई उस दिन पंजाब पुलिस का जरा बयान निकाल लीजिए क्या है। पंजाब पुलिस कह रही है ये बम ब्लास्ट नहीं है, ये कोई गैस सिलेंडर फटा है, कुछ अलग से है, तब भी उन्होंने अनगहली की। दूसरी घटना में भी ये अनगहली करते रहे, उसकी चिंता नहीं करी उन्होंने, उसको देखा नहीं, ध्यान नहीं किया उस पर। अब ये जब तीसरी घटना जहां पे बम फोड़ा गया और वहां से सरा से रामदास सरा से बम आया, तब जाकर इनकी होश लगी है, तो ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हो रही ना पंजाब में। पंजाब में तो थानों पर आरपीजी के अटैक किए जाते हैं, इंटेलिजेंस के, पंजाब के जो इंटेलिजेंस के दफ्तर है मोहाली में उससे आरपीजी का अटैक होता है और फिर पंजाब पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, उस पर शांति रह जाती है। मूसेवाला की हत्या होती है, आज तक उसके हथियारे पकड़े नहीं गए, आज तक सिस्टम से बाहर है उसके हथियारे, उसके पिताजी धरने देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक कबड्डी प्लेयर था संदीप सिंह, आपकी इस बात पर लोकेश जिंदल यही कुछ कहना चाहते हैं आरपी सिंह साहब, तो जरा सुन ले क्या पॉइंट है, क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाएगा शायद, विषय अंतर हो जाएगा फिर। हाँ कहिए, पूरी कर लूं फिर, एक मिनट मेरी एक बात पूरी कर लूं, उसके बाद एक बात पूरी कर लूं। ठीक है ठीक है, 30 सेकंड और दीजिए जिंदल साहब, आता हूं आपके पास। उसका मूल का नोट कर लीजिए आप अपना पॉइंट, आप लोकेश जिंदल को लाइए, मैं अपनी एक बात कह लूं उसके बाद प्लीज। ठीक है, कैरी ऑन सर। तो क्या कि ये सारी घटनाएं निरंतर, ये जो गैंगस्टर्स और आतंकवादी और अक्रॉस दी बॉर्डर कनाडा से और पाकिस्तान से जो लोग तारे जोड़ रही हैं, और जो जिस प्रकार से वहां पर थानों सॉरी जेल से गैंगस्टर्स इंटरव्यू देते हैं, इसका मूल कारण समझिए क्या है। मूल कारण है कि पंजाब की सरकार खालिस्तानियों के प्रति अभी भी सॉफ्ट है। उनके स्पीकर साहब संधवाल जी
कनाडा जाते हैं, वहां वजीर सिंह नाम के खालिस्तानी के घर पे नाश्ता करते हैं, उससे स्वागत कराते हैं और उसको वीडियोस प्रचार प्रसार में डालते हैं। तो मैसेज है बेटा, बड़ा स्पष्ट मैसेज है। और ये पे बैक टाइम चल रहा है, ये पूरा पे बैक टाइम चल रहा है सरकार का टुवर्ड दी खालिस्तानी, टुवर्ड दी गैंगस्टर जिनका समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। आपने अपनी बात कह दी, आप ये कह रहे हैं कि वहां की सरकार जो है वो खालिस्तानियों की तरफ सॉफ्ट है और इसके बहुत स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इससे पहले वाले चुनाव में आपको ये भी याद होगा कि ये तक कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल एक सेपरेटिस्ट अप्रोच वाले व्यक्ति के घर में जाकर रुकते हैं। परमिंदर साहब, इसका जवाब दीजिए। लोकेश जिंदल फौरन बाद, उसके बाद आपके पास आता हूं। देखिए, हमें जो है ना तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये धमाके हुए तथ्य नहीं है क्या? नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है, इससे कोई डिनायल नहीं है। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अंदर स्टेट सरकार का, सेंट्रल सरकार का, सभी एजेंसियों का, रॉ का, इंटेलिजेंस का, और वहां पे रहने वाले हर व्यक्ति की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है। 3 ब्लास्ट होते हैं अमृतसर के अंदर, लेकिन उसका एक मूल कारण ये है कि जो हरमंदिर साहब है वो मोस्ट विजिटेड प्लेस है इंडिया के अंदर। वहां से लोगों को लोगों में एक डर और दहशत का माहौल बनाया जाए, ये एक साजिश है। इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सा देश है, कौन सी संस्था है, इसकी हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। अगर हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मसला आता है और हम किसी को टारगेट शुरू करना शुरू कर दें, हम पॉलिटिक्स शुरू कर दें, राजनीति शुरू कर दें, राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, हम उस पर राजनीति करेंगे, लेकिन ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। और आम आदमी पार्टी अभी एक साल हुआ है, ये भी तो कलेक्टिव जिम्मेदारी है ना कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स कम से कम अलगाववादी मानसिकता के साथ ना देखे जाए। नहीं नहीं, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर इनिशियली कोई व्यक्ति नए स्टेट में जाता उसको नहीं पता लगता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको वो कर रहा है। एक सेकंड, आरपी सिंह साहब को और परविंदर सेठी को साथ में कीजिए, दोनों आपस में बात करें जरा। एक मिनट इनके लिए वक्त दीजिए। अभी सबूत भेज रहा हूं उसके, ये मनगढ़ंत नहीं है, वो सबूत है उनके पास, उसके सबूत भेज रहा हूं आपके पास। ये है गौतम जी, मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगा, ये मनगढ़ंत नहीं है, इसके सबूत ये देखिए, ये सबूत भी दिखा रहे हैं। कुलतार सिंह संधवान वजीर सिंह के साथ गले मिल रहे हैं। सर, इनिशियल स्टेजेस की बात है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है कुलतार सिंह संधवान साहब के साथ। अरे अरे आरपी सिंह जी, आप हर डिबेट में यही फोटो दिखाते हैं, आपके साथ क्यों नहीं मिलता, मेरे साथ क्यों नहीं मिलता, कोई खालिस्तानी क्यों नहीं हिम्मत करता? आप पंजाब जाते ही नहीं, आपके साथ पंजाब जाने से घबराते नहीं करता कोई? भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं पंजाब के अंदर कौन? मेरे भैया, मैं भी पंजाब में था, चुनाव में पंजाब में था, पूरे चुनाव में सहा कोर्ट में पंजाब लोगों में था, पट्टी गांव में गए, किसी गांव में गए? कभी पंजाब कब गए आप? किसी गांव में गए? मैं तो जाता रहता हूँ सर, मैं तो हर महीने 2 महीने में मेरा चक्कर लगता है, पूरे पंजाब के अंदर मेरी रिश्तेदारी है, मेरे दोस्त है। आप कब तक खालिस्तानियों के साथ गलवकड़ी डालेंगे, कब तक उनसे गले मिलेंगे? नहीं, देखिए ये राजनीति का विषय नहीं है आरपी सिंह जी, आप वरिष्ठ हैं, आपको ये बात शोभानी देती, आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जिम्मेवारी से कोई बात करिए। परविंदर साहब मेरी एक बात सुनिए, एक सेकंड आरपी सिंह साहब, एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। परविंदर साहब से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इग्नोरेंस सर, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी बात सुनिए सरदार आरपी सिंह साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इवन फॉर अ कॉमनर परविंदर जी, और ये तो गवर्नमेंट है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं था, शुरुआत में पता नहीं था। इग्नोरेंस इन सच सेंसिटिव इश्यूज इज नेवर एन एक्सक्यूज। पांच सेकंड की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जी की फोटो दीप सिद्धू के साथ होती है और दीप सिद्धू के ऊपर इतने एलिगेशन लगते हैं, हम उसको टारगेट करेंगे? किसी से जाकर मुलाकात करना और किसी का बगल में आकर फोटो खिंचा लेना, फर्क होता है परमिंदर जी? इसमें नहीं होता। पीएम हाउस में आप जा सकते हैं, मैं आपके साथ फोटो खिंचा लूं, पीएम हाउस में अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलने, उसमें फर्क है कि नहीं? पीएम हाउस के अंदर कौन जा सकता है? बहुत बहुत सिक्योरिटी के बाद बड़ी मुश्किल से परमिंदर जी, मैं आपसे मिलने के लिए जाऊं, एक जनता में मिलना और आपके साथ आज फोटो खींचा लूं, इसमें फर्क है कि नहीं है? पीएम हाउस में कौन जा सकता सर? पंजाब में इतना बड़ा लैब्स और आप ये सब कहकर उसको उस पर लिपापोती कर रहे हैं? पीएम हाउस के अंदर परमिशन ही नहीं मिलती जाने की जब तक आपका सॉलिड लिंक ना हो।
पीएम हाउस में आप जा सकते हैं। मैं कितने सारे लोगों के साथ फोटो दिखा दूं अरविंद केजरीवाल की, जिससे पल्ला झाड़ना पड़ जाएगा उनको। मैं क्या कह रहा हूं, फोटो से नहीं होता, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की बात है। इसमें मिलने में और पीएम हाउस जाने में जमीन आसमान का अंतर है। ये दलीलें दर्शकों आप भी देख रहे होंगे, बियॉन्ड द लिमिट मेरे गले फाड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने दलीलें सुन ली होंगी। ये कह रहे हैं कि किसी के साथ फोटो में दिख जाना और किसी से जाकर बाकायदे मिलना, दोनों एक जैसी बातें। लोकेश जिंदल अपना पॉइंट रखिए। देखिए, एक बात तो तय थी कि आम आदमी पार्टी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने में विफल रही है। जब अजनाला पुलिस स्टेशन का कांड हुआ, अमृतपाल सिंह का के सामने पंजाब पुलिस ने घुटने टेके, उसी वक्त केंद्र को आर्टिकल 356-365 के तहत जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिसमिस करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था। देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अमृतपाल सिंह अरेस्टेड है और जिन लोगों ने ब्लास्ट करा वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी बात सुनिए, आपके चुटकुलों से पंजाब का भला नहीं होने वाला। वहां के मुख्यमंत्री सिर्फ जो है पंजाब की जनता को हंसाना जानते हैं, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इस वक्त चाहिए कि केंद्र की सरकार जल्दी हरकत में आए, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाए और वहां पे लोगों की रक्षा करे। सेंटर क्यों अपना पल्ला झाड़ रही है? एक और तस्वीर दिखा रहे हैं सरदार आरपी सिंह। आरपी सिंह साहब, आपके साथ जो कैमरे में है उनको बोलिए थोड़ा क्लोज कराएं इसमें, यहां से नहीं समझ में आ रहा है आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। इसको क्लोज करवाइए, जरा क्लोज करिए, आपके फोन पर क्लोज कराइए और फिर बताइए आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। उनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अपना फोटो डालते हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं उनके साथ, कुलतार सिंह संधवान। नहीं, ये इनको पता नहीं रहा होगा और यूं ही नाश्ते पे मिलने होंगे। उनको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने बैठकर साथ में खा लिए, बाकी और कोई इनका यही तस्वीरें दिखाते हैं। इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है सर, ये तस्वीरें कुछ कह नहीं रही है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, एक दूसरे को टारगेट करने की बात है। ये जो टेररिज्म का मसला है, देखिए पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे ड्रग्स भी आते हैं, घुसपैठ भी होते हैं, ड्रोन भी आते हैं, यहाँ तमाम तरह की बातें कही गई। आपको क्या लगता है कौन है जो सही बात कह रहा है? क्या वहां प्रेसिडेंट रूल ही एकमात्र विकल्प दिखाई दे रहा है? देखिए गौतम जी, मैंने सेठी जी की बात सुनी और बाकी सज्जनों की भी सुनी। कहानी ये है कि जो ये तीन ब्लास्ट हुए हैं, पहले ब्लास्ट के बाद तो हमारी गवर्नमेंट थी, जो पुलिस थी, वो सो रखी थी, वो कह रहे थे ब्लास्ट ही नहीं हुआ। सेकंड ब्लास्ट के बाद हरकत में आई, कुछ नहीं मिला। और ये तीसरा ब्लास्ट जो कल हुआ है दरबार साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो भी पकड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा गए हैं आदमी। पुलिस को कोई नहीं मिला था, कल शाम तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया था। जो अरेस्ट हुई, पकड़े गए, सीसीटीवी फुटेज, तो वो तो कह रहे हैं ना सबकी जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है, वहां पहुंचने वालों की जिम्मेदारी है, सेंटर की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, वो सबकी जब जिम्मेदारी है तो किसी ने भी पकड़ लिया होगा। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लोग पकड़ रहे हैं। अपनी सेठी जी कह रहे हैं कि सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ठीक है। एचजीपीसी ने अपना काम कर दिया, पुलिस तो 80,000 आदमी, इसीलिए तो हाईकोर्ट कह रहा था कि अमृतपाल को ढूंढने के लिए 80,000 पुलिस लग गई, पर वो मिल नहीं पाया, उसने आके आखिरकार सरेंडर किया। तो ये तो निकामी है ना, पुलिस प्रशासन। मैं बताता हूँ ना सर, नाकामी नहीं है ये, कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो वहाँ है, वो भावना किशोर को पकड़ने में, अदालत में पेश करने में, 500 पुलिसकर्मी वहाँ लगाए रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इस सब में नहीं है। परमिंदर सेठी इस पर भी झगड़ने लगेंगे। नहीं नहीं, मैं देखिए, एसजीपीसी की कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एसजीपी भी पूरी तरह से इस चीज के लिए बहुत भागती है। वहां पे पंजाब में आके देखो, आज की डेट में जो जलंधर में इलेक्शन हुई है, लोगों ने भगाए हैं, कल इनका एमएलए पकड़ के, लोगों ने पकड़ के अंदर दे लिया पुलिस के सामने। कैसे एक मिनट बचा है, आखिरी का जरा सुन लेते हैं परविंदर सेठी का क्या जवाब है इस पे। मोह भंग होने लगा है आम आदमी पार्टी से लोगों का। नहीं देखिए, देखिए जो एक पत्रकार के साथ हुआ उसका हम भी खंडन करते हैं, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी सरकार को आप टारगेट करो। पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है उसके अंदर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जो लोग उसके अंदर दोषी है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और जो इसके पीछे उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसमें कहीं कोई इस फुटबॉल का फायदा उठाकर कोई गोल तो नहीं मार जाएगा? वही तो सबसे बड़ा खतरा है। देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं
कि आई एग्री दैट नेशनल सिक्योरिटी हर किसी की जिम्मेवारी है। स्टेट ने बिल्कुल कोलैबोरेट किया है पाकिस्तान ये पंजाब की सरकार के साथ, जब अभी अमृतपाल का मामला था सीआरपीएफ दी आईबी वाले लगे थे, एनआईए सब कुछ उनके साथ लगे थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लेकिन ग्राउंड पे जिम्मेवारी स्टेट पुलिस की है। किसने कमर तोड़ी थी आतंकवाद की पंजाब में? पंजाब की पुलिस ने, ठीक है, केपीएस गिल राइट आर रिबेरो जैसे जो महानिदेशक थे, ये सब की है। लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्पेसिफिक जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बच सकती। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी प्लीज बने रहिए, आपके पास वापस लौट कर आता हूं। ये बहुत अहम मुद्दा है, किस किस मोड़ से होकर गुजरी है, क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दों को किनारे रखकर किस तरफ पंजाब पुलिस बिजी थी और क्यों बिजी थी। लेकिन आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। हम ये बात कर रहे हैं कि पंजाब जैसी सेंसिटिव जगह पर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के करीब, हरमिंदर साहब के पास, वहां धमाके हो जाते हैं, एक के बाद एक धमाके होते हैं, और पुलिस ये कहती है कि हमको इसमें सफलता मिल गई, और ये चिंता करने वाली बात नहीं है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे ये, इसमें बहुत खतरनाक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं ये कहता हूं जीडी बख्शी साहब कि अगर जो एक्सप्लोजिव थे उसमें अगर टीएनटी का इस्तेमाल होता या जिलेटिन की छड़ का इस्तेमाल हो जाता तो क्या होता, ये तो इत्तेफाक की बात है ना, शुक्र की बात है ना। तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर पुलिस महोदय, पुलिस के अधिकारी क्या बताना चाह रहे थे? देखिए साहब, जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि पिछले कितने महीनों से लगातार पाकिस्तान की आईएसआई ड्रोन्स, हेक्साकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स के जरिए पंजाब में आर्म्स, एमिनेशन, प्री फैब्रिकेटेड आईडीज, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स और नकली कैश जो है ये वहां पे लगातार ड्रॉप कर रही है। किसको मालूम नहीं है ये दुनिया को मालूम है। उसके बाद आपको कहना हमें पता नहीं कहां से हुआ, ये तो माइल्ड थे राइट, ये कह के पल्ला झाड़ना, यू कांट गेट कंप्लेन। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं सर, ये जो आम आदमी पार्टी को वक्त मिला, आम आदमी पार्टी की सरकार को वहां मैंडेट मिला, उसने कितने सिस्टमिक लूप होल्स हैं जो अभी तक प्लग किए हैं, क्या उनको गिना सकते हैं परमिंदर जी? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो मैं बताऊं, ये जो आतंकवाद है ये आज पैदा नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में जब इनका अकाली दल से अलायंस था, इन्होंने इस खड्डे को खोदा, उस खाई को भरा, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने करा। आज ये एक नई पार्टी जिसको जुम्मा जुम्मा ने 6-8 महीने हुए हैं, जो बच्चा है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और इस इशू के ऊपर हमें, इस इशू के ऊपर आवाज दीजिए, ये जो बोल रहे हैं उनकी भी आवाज दीजिए, परमिंदर सिंह जी के साथ बात कराइए। नहीं, आप मुझे एक बात, आपको एक साल से ऊपर, अच्छा, हो गया, जी कह रहे हैं, हाँ। समय की कुछ जान मालूमात हो, नहीं, वो कहा 6-7 महीने का बच्चा है, अभी घुटनों पे चल रहा है, उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। नहीं नहीं, उम्मीदें नहीं रखिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी है, पूरी तरह इस मामले में सीरियस है, और इसके ऊपर पूरी संजीदा है, पूरी तरह कार्रवाई हो रही है, और अगर कोई घटना घट जाती है, और सर आप मेरी बात सुनिए, आपके बस की नहीं है पंजाब को हैंडल करने की, ये आपने बस की थी, आपने रेता बेच के करप्शन करके पंजाब का माहौल कांग्रेस के अंदर सिद्धू साहब सड़कों पे, कैप्टन साहब अपने घर के अंदर, कैप्टन साहब छोड़ गए आपको, गुलाम नबी आजाद छोड़ गए आपको, बड़े बड़े नेता आपको छोड़ गए, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है? आपको तो कुछ कहने का अधिकार भी नहीं है, ये आपका बोया हुआ खड्डा और खाई है जिसको आम आदमी पार्टी भर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और उसको भर के रहेगी। लोकेश जी ये कह रहे हैं कि ये आपका खोदा हुआ खड्डा है जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब का कमेंट ले लूं, आता हूं आपके पास। आरपी सिंह साहब, मूल बात ये, 6 मई को घटना होती है, उसको पुलिस ये कहकर नकार देती है कि ये तो कोई एक चिमनी में कोई ब्लास्ट हुआ, कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, उसमें एक व्यक्ति इंजर्ड भी होता है, वो टाल देती है। समय क्या कि हर बात को अंडर द, मैं पुलिस को ब्लेम नहीं करता, कोई सरकार का निर्देश है, होम मिनिस्टर साहब का निर्देश होता होगा कि भैया आपने इस जंग की बात घटना को ज्यादा तोल नहीं देना, नहीं तो हमको बदनामी होगी हमारी। और वो एक घटना के बाद दूसरी घटना 8 को होती है, तीसरी घटना कल होती है,
तो सर यही तो कह रहे हैं ना मुकेश जी, यही कह रहे हैं सर। सर आरपी सिंह सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये सब आपको दिखाई दे रहा है और ये सब इतना सेंसिटिव इश्यू है, तो क्या फिर आप उसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में विचार करेंगे? मैं इसका उत्तर देता हूं। हमने इनको, सरकार ने, मैं वो भी निकाल डिटेल दे रहा हूं, सरकार ने इनको पहले चताया है कि ये सब हो रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इनकी सरकार को भेजी है। अगर ये उस पर सोते रहे, उस पर एक्शन न ले तो क्या करेंगे आप? सर ये तो और भी खतरनाक है, भावना है कि आप चेतावनी दे रहे हैं, आप इनको बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, इनपुट में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तो प्रेसिडेंट रूल के लिए और फिट केस बनता है। आप ये बात कैसे कर सकते हैं? अमृतपाल था, अमृतपाल अरेस्ट हो गया है, जिन्होंने ब्लास्ट करा सीसीटीवी फुटेज से, और एसजीपीसी की कोऑर्डिनेशन के साथ इनको पुलिस ने पकड़ लिया, दिए जाते रहे हैं इनको। परंतु अफसोस ये है कि इनका फोकस तो कहीं और है, इनका फोकस तो केजरीवाल साहब को सिक्योरिटी देने का है, या शीश महल के ऊपर जो भी कोई बोलेगा उसको अरेस्ट करने का है। अरे आरपी सिंह जी छोड़ दीजिए, आपने किसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार करा, 5,000 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, जो देश की आन बान शान और अभिमान खिलाड़ी है वो जंतर मंतर में बैठे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इंटरव्यू करने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, आज भी वो बैठे हुए हैं। और आप एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 38 मुकदमे हैं, जिसके जो टाटा के अंदर जेल काट चुका है, जो 302-307 जैसे संगीन जुर्म और संगीन धाराओं के साथ है, उसको बचाने का क्या प्रयास कर रहे हैं आप? कभी भारत भूषण शरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? कभी आपका प्रवक्ता सुकेश चंद्रशेखर बन जाता है? आपका क्रिमिनलों से क्या रिश्ता है? बताइए ना जनता को। तो आपके ऊपर वो उसने इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया। हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाया, आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगे थे आम आदमी पार्टी के लोग, क्या पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हो? सच्चाई बोलना इस देश में गुनाह है क्या? वो किसी पार्टी से जोड़कर देख दी जाती है। और अगर सच्चाई बोलना भारतीय जनता पार्टी के खाते में आप डाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सच्चाई के साथ पॉलिटिक्स करने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, मैं एक दूसरी तरफ जा रहा हूँ, मैं लोकेश जी के पास जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि लोकेश जी, आप लोगों ने क्या सिस्टमिकली इतने सारे लूप होल छोड़े हैं कि इस पार्टी से संभाले नहीं बन रहा है वहां पर बैठने के बाद? देखिए जी, नाचना है आंगन टेढ़ा, ये पार्टी का दिल्ली में भी ट्रैक रिकॉर्ड था। ये रोती थी पार्टी कि हमें पुलिस का सब्जेक्ट दे दो, फिर हम दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। आप समझ रहे हो, ये पार्टी ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल का हवाला दे देती है कि भाई लेफ्टिनेंट जनरल के कारण हम काम नहीं कर पा रहे। इनको काम करना नहीं आता, आप समझ लो, पंजाब की आम जनता के जिंदगी का सवाल है। इनको हटाओ यहाँ से, इनको झाड़ू पार के निकालो यहाँ से, इनका झाड़ू इन्हीं पे चलेगा तब इनको समझ आएगी। जो आज का वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने जिस प्रकार से आम आदमी को काम करने से रोका है, आम आदमी पार्टी को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां कौन रोक रहा है? ये कह दिया, वहां कौन रोक रहा है? नहीं, पंजाब में कौन रोक रहा है? पंजाब में काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आप तीन धमाके हो जाते हैं, वहां काम हो रहा है। अरे भावना किशोर को तो आपने मिनटों में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर उनसे इंटरोगेशन होगी, आगे सख्त से कार्रवाई होगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी अमृतपाल सिंह को ये आप नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों को ये भरोसा वहां के लोगों में इंस्टिल कर सकते हैं कि आप निश्चिंत रहिए आपको इस तरह की घटना ना होगी? देखिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जो 10 साल से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है, जो ये जो सर, नहीं मैं एक बात बताऊं, टेररिज्म का तमाम बातें आपने उसको भर रहे हैं और उसको पूरी तरह भरेंगे, उसको खत्म करेंगे। धन्यवाद आपका भी मेहमानों का सर, आपकी बातें और सुनता, मैं जानता हूं आप सब कुछ कहने के लिए तत्पर और उद्यत हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। कुल मिलाकर ये कि तमाम बातें कहने के बाद वो जो छोटा सा सितारा होता लगा दिया जाने के बाद कहा जाता है कंडीशन सप्लाई, परमिंदर वही कर गए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हाजिर हूँ।